अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैं आसमी उसके साथ हाजिर खिदमत है आपकी फरमाइश पर, और ख़ास तौर पर तकलीफ दी है असदुल्ला खान साहब को। सीनियर एंकर पर्सन है और फील्ड रिपोर्टिंग में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कम लोग ही हैं, शायद सीधा सीधा लोग हैं। अगर आप कोई परसेंटेज बताना चाहें कि टॉप 10 में ऐड करना चाहें ना, मुझे मेरा ख्याल है ऊपर वाली लाइनों के अंदर आएगा जो फील्ड रिपोर्टिंग है और एंकर भी कर रहे हैं, और ये रियल जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कहलाते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया में तो आपको पता है बहुत काम कर रहे हैं, और मैं इंप्रेस हूँ इनके इस काम की वजह से। और मेरा ख्याल है कुछ चीजों में इंस्टिगेट मुझे भी किया है कि मैं भी इस तरफ आ सकूं। देखिए आज चूंकि संडे है, संडे वाले दिन मैंने सोचा कि हम इस इशू पे बात कर ले। बजट चूंकि आपके सामने वफाकी हुकूमत का भी आ गया, सूबाई हुकूमत का भी आ गया, गाली गलोच आपने सारी देख ली और सारे मामले। अच्छा, आपने गाली गलोच सारी देख ली, आपने लड़ाई मार कुटाई सारी आपने देख ली। पहले हम इब्तदाई करते हैं, ये क्या ये कोई खाने पीने का मुकाबला जारी था घर में, लड़ाई मार कुटाई, मुझे अच्छा खाना दे दो उसे, ये क्या हो रहा था? ये दिंगा मुश्ती क्या समझते हैं इसका कल्चर का, आप क्या समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं सब सारे मसले में? देखिए मैं आजाद साहब, आप जानते हैं मेरा, मैं तो एंकर हूँ, मेरा काम है सवाल उठाना, और मेरे जहन में पैदा सिर्फ सवाल ही होते हैं। मैं सोचता ही सवालों की शक्ल में हूँ, मेरा दिमाग ही इस तरह चलता है कि मैं सवाल उठाऊं। मेरे जहन में पहला सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पहले जुमले से एहतजाज शुरू करते हैं तो आपको कैसे पता होता है कि ये बजट तकरीर में क्या होगा? यानी बजट तकरीर जो है वो होने से पहले ही आप एहतजाज शुरू कर देते हैं, तो अगर बजट अच्छा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अच्छा किया, मैं सवाल एक आपको बचाऊंगा, सवाल ऐड कर ले, तो आपने बात बड़ी जबरदस्त की है। मैं यही सवाल कर लूंगा, इसका मतलब ये है, या हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो ये जितनी अपोजिशन पार्टी है ना, ये बैनर घर से बनाकर हर चीज तैयार करके लाकर नेगेटिव बातें, यानी बजट की स्पीच पड़ी नहीं होती, डॉक्यूमेंट देखे नहीं होते। आपने गालिबन इनका मुशाहिदा भी किया है और साथ आपने पूरी तहकीक भी की है कि शहबाज शरीफ जो तकरीर कर रहे थे वो अपने ही ईमानदार के अगेंस्ट कर रहे थे। हाँ, वो मैंने शरारत की है थोड़ी सी, वो इसलिए की है कि देखे ना, आप आज कह रहे हैं कि जी बजट वो लगा, टैक्सेस लगा दिए, कितने अफसोस के बाद आपने टैक्स लगा दिया, फलां पे टैक्स लगा दिया, फलां पे टैक्स लगा दिया। ओ भाई, ये इसहाक डार साहब जो 1900 अरब रुपए से उठाकर अपने टैक्स कलेक्शन के हदफ को 3800 अरब तक लेकर गए थे और आखिरी साल में 3800 अरब देकर गए थे, और जिस पर आप कहते हैं कि जी हमने डबल कर दिया टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन को, तो भाई वो टैक्स लगाए बगैर तो आपने नहीं कर दिया था, और टैक्स लगाए थे तो किया था। तो ऐसा लगता है कि वो मैंने थोड़ी सी शरारत यही की है कि इसहाक डार साहब के जुमले चलाए और उसके बाद फिर इनके शहबाज शरीफ साहब के चलाए, और ऐसा लगता है कि उनकी बातों का जवाब ये अब दे रहे हैं। तो बात यह कि तनकीद बराए तनकीद, और दूसरी बात यह कि अगर साहब मुझे कॉन्टेंट सुन के ना, बिलावल साहब का जो जुमे को उन्होंने तकरीर की थी और जुमेरात को जो शहबाज शरीफ साहब ने की थी, उसका कॉन्टेंट सुन के बड़ी सख्त मायूसी हुई। मायूसी इसलिए हुई कि आप बताते हैं जी ये 3.9 का फिगर है ये गलत है, और इसके लिए फलां 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 इदारों की रिपोर्टें हैं हमारे पास, ये इंटरनेशनल जर्नल लिख रहे हैं, ये फलां इदारे ने लिखा है, और फलां इकोनॉमिस्ट को रेफर करते हैं आप कि जी ये फिगर ठीक नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जो आप एक्सपोर्ट का फिगर दे रहे हैं ये फिगर ठीक नहीं है, या आपकी ये पॉलिसी ठीक नहीं है, या कहते हैं कि देखिए ये जो आपने सफा नंबर 35 पर जो लिखा हुआ है कि जी ये जो हम टैक्स लगा रहे हैं और इसके नतीजे में ये पैदा ये होगा, इसके नतीजे में मुल्क में बहुत सारा क्राइसिस पैदा होगा, इसके असरात 2.5 साल के बाद जब निकलेंगे वो GDP को खराब करने की सूरत में निकलेंगे। इस तरह की तकरीर अपोजिशन लीडर से तवक्को की जानी चाहिए, जिसमें तजावीज भी शामिल हो, जिसमें क्रिटिसिज्म बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिसिज्म हो। लेकिन मैंने बड़े गौर से आज बिलावल साहब की जुमे को तकरीर सुनी, मैंने बड़े गौर से जुमेरात को शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, पूरी तकरीर, और जुमेरा शहबाज शरीफ साहब की तो 2.5 घंटे की तकरीर बनती है 3 दिन में जो उन्होंने की है, लेकिन वो बहुत ही बारीक बीनी से सुनने के बाद भी उसमें एक भी नुकता ऐसा नहीं लगा जो कोई वैल्यू एडिशन कर सके, टैक्स में कोई पॉइंट ऐड कर सके। जुम्मे को हमारी मुलाकात जो है वो हाशिम जमा बख्त साहब से हुई, पंजाब के जो बजट के हवाले से ना, मैंने बड़े तफसील से उनके साथ मेरी बातचीत हुई और मैंने कई उनसे क्वेश्चंस किए। अच्छा, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो आवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे साहब, जिसमें मैं मिसाल के तौर पर मैंने उनसे पूछा महंगाई बहुत हो गई, वो कह रहे हैं भाई 30 साल से दालें जो है ना वो इम्पोर्ट हो रही हैं। अब जिस मुल्क में दालें ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट हो रही होंगी और तेल बनाने का रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा होगा, और किसी ने ये जहमत ना की होगी कि इसको जो है वो आप सिस्टम को ठीक करने के लिए कोशिश करें और आप एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएं ना कि इंपोर्ट्स की तरफ, तो जब आपकी ये प्रायोरिटीज नहीं होंगी तो आप कैसे एकदम उसको तब्दील कर सकते हैं? तो अजय साहब, मामला ये है कि बजट में
हुकूमत के पास उसकी जेब को देखते हुए जो बेस्ट था वो उसने करने की कोशिश की, लेकिन ऑपोजिशन की जो तनकीद है वो होनी चाहिए, हम भी करते हैं अपने टॉक शोज में, लेकिन वो तनकीद बहरहाल जो है वो पॉइंट्स की शक्ल में, बुलेट्स की फॉर्म में, और वो जो स्पेसिफिक जो चीजें हैं उस पर होनी चाहिए थी, ना कि जेनेरिक जी गरीब की जेब खाली है तो बजट जाली है और सारा बजट झूठ है, ये नारे जो हैं वो मेरा ख्याल बजट स्पीच का पेट नहीं भरते। नहीं तो इसके साथ जो दूसरा तो बड़ी इसके लिए बड़ा बजट की किताबें में जो इस वक्त चीजें अवेलेबल है ना वो आप हैरान, आपको पता है वो फ्री स्टाइल रेसलिंग कैसी होती है, जो भी पटका कैसे मारते हैं, सबसे बेस्ट गाली कौन निकालते हैं, आपको पता है, तो ये ट्रेनिंग हो रही है ना, तो इस पे नहीं कोई जवाब दिया आपने उनसे कि ये क्या ये कोई नया बजट स्टाइल आया या ये बजट फ्री स्टाइल आया कोई। अच्छा वैसे साहब ये तो बड़ी अफसोस की बात है, ये जो हुआ ना किताबें उठा के मारना, और फिर देखें उसकी अगर आप कई सफात खोल के देखें तो उसमें और पहले ही सफ़े पर जो मुकद्दस कलमात लिखे हुए हैं अरबी के और कुरानी आयात के हवाले बाज़ जगहों पर दिए जाते हैं, तो ऐसी किताबों को उठाकर फेंकना, फिर देखें जो अफरा तफरी है ना, जो टेंशन है, जो गड़बड़ है, ये हमेशा ऑपोजिशन को सूट करती है। ये जो हुकूमत होती है उसकी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि माहौल अच्छा रहे, हालात नॉर्मल रहें, तो ये दोनों तरफ से अफसोस की बात है। अच्छा अब तो मैं आपको बताऊं ये किताबें फेंकी नहीं ना उठा के, इसका एक इस्तेमाल हो गया, वरना आप पिछले साल के बजट तक देखें 90% बुक्स जो बजट के डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना 90% के पढ़ने की फाइनेंस बिल को पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करता, और वो किताब रिबन खोले बगैर वापस चली जाती है। जब तो रिबन इसलिए खुल गए ना, जब एक दूसरे को मारी गई उठा के फेंकी गई तो रिबन खुलने ही खुलने थे, लेकिन बजट को कोई पढ़ता तक नहीं है, इतनी भी जहमत गवारा नहीं करता जितना एक आम जर्नलिस्ट या एक आम रिपोर्टर ही कर लेता है रिपोर्ट फाइल करने के लिए। बड़ी जबरदस्त बात कही है, मुझे अच्छी तरह याद है 3 साल पहले वो रद्दी की किताबों में मैंने खुद अपनी आंखों से, मेरा ख्याल है कमो बेशनी एक ट्रक मैंने देखा था वो रद्दी का, यानी किताबों का, बजट की किताबों का, बजा फरमा रहे हैं इस बात। अच्छा एक बात और बताइए, तो हाँ आप बात कर लें पहले, बात कर लें आप पहले। जी सही है बिल्कुल, आप कर रहे हैं, मैं मुकम्मल कर ली बात। अच्छा अब अगली जो बात मैंने आपके सामने बजट डॉक्यूमेंट सारे देख ली, मेरा कंसर्न 2 बातों पे है बड़ा वाजे तौर पर, एक तो करप्शन रोकने के लिए, और क्या इन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट ने नैब को बजट ज्यादा दिया और नैब मसाइल हल कर सकेगा, इसके साथ साथ याद रखिएगा 120 कोटे बनाने का था, क्या उसका बजट एलोकेट किया। तीसरा सवाल साथ ही रख लीजिएगा, क्या इंसाफ फराहम करने के हवाले से कोई हुकूमत वक्त ने ऐसी बात की या किसी अपोजिशन ने भी इन चीजों पे आगे बात की या सिर्फ वो ड्रामा ही किया सिर्फ। अच्छा वैसे आजा साहब मैं नैब के हवाले से आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, आप ही ने के प्रोग्राम में इस पर बात हो चुकी है, नैब की कारकर्दगी पे बड़े ही संजीदा नोयत के कई सवालात उठते हैं, जो कल भी उठते थे, जो आज भी उठ रहे हैं, जो शायद फौरी तौर पर उसका हल होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। और फिर नैब की जो हालिया कारकर्दगी है, अब मिसाल के तौर पर आप अभी जो बहुत ही रिसेंट वाकया है, आपने भी यकीनन उसको फॉलो किया होगा, कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब के लिए फैसल बुखारी साहब आए उनकी बेल की मुखालफत करने के लिए, और डीबी जो है जस्टिस आलिया नीलम की और साथ में शहबाज रिजवी साहब, उन्होंने कहा कि वो नोटिस जो आपने दिया था वो नोटिस कहा, हमें कागज़ दें, उनके पास कागज़ नहीं था, उन्होंने कहा दूसरा कागज़ दें, वो कागज़ नहीं था, तो उस पर जजेस जो है वो झुंझलाहट का शिकार हुए और फिर गुस्सा भी उन्होंने किया, कहा जी आप इदारा हैं, शहबाज रिजवी साहब ने कहा आप इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके पास कागज नहीं है, अगर आप इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर हम मान सकते हैं, चलें आप एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कागज नहीं है कल दे देंगे, आप इदारा हैं, आपके पास पूरी सपोर्ट है, आपके साथ आपका आयोग खड़ा हुआ है, और उसके पास जो वो कागज तक नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है। और फिर आप देखें ना नैब की कारकर्दगी, जिसमें 6 महीने से हो गए हैं ख्वाजा से कोई जुडिशियल हुए हुए और उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं हो सका, तो आपने रेफरेंस फाइल नहीं किया, हालांकि रेफरेंस फाइल कर सकते हैं, यानी ख्वाजा आसिफ साहब इतने मासूम नहीं होंगे कि उनके खिलाफ आपके पास चीजें नहीं होंगी, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ चीजें होंगी लेकिन आप फाइल नहीं कर सके। तो नैब के अंदर बेहतरी लाने के लिए हुकूमत की ख्वाहिश जरूर है, अमली कदम कहीं नजर नहीं आता, मुझे तो नजर नहीं आता कि अमली तौर पर कोई कदम उठाया होगा। मिसाल के तौर पर अमली तौर पर बंद हो चुका है शहबाज शरीफ साहब का ट्रायल, नहीं हो रहा 3 महीने से, लेकिन कहीं फिक्रमंदी मुझे दिखाई नहीं देती,
और फिक्रमंदी दिखाई नहीं देती, तो उससे मुझे लगता है कि शायद पता नहीं इसकी इसके पीछे क्या वजूहत है, तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि क्या क्या वजूहत है। बड़ी जबरदस्त। चलिए देखे, मैंने कोशिश की थी ढूंढने की 120 फोटो के हवाले से बजट रखा, तो मैंने अंदाजा लगाया कि पिछली दफा से बजट कम कर दिया गया है। और मेरा जो कि कंसर्न है नैब के कॉन्टेक्स्ट में, मैं समझता हूँ कि नैब को इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा देना चाहिए, गाड़ियां उनके पास पूरी होनी चाहिए, स्टाफ पूरा होना चाहिए, उनके पास फैसिलिटीज पूरी होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अगर आप देखें, हमने एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम के तहत हमने उसका भी बजट को मखातर खानी बढ़ाया। क्या प्रायोरिटीज में नहीं है, या लोग चाहते नहीं है कि इंसाफ मिले, या हमारे पार्लियामेंटेरियन चाहते हैं कि लोग सड़कों पे घूमें? असल में आदर साहब, ये काम था पहले साल या दूसरे साल करने का, अब मसला ये है कि अब शुरू हो गया है इलेक्शन का काउंटडाउन, और अब बजट में हाईलाइटेड पॉइंट्स जो है ना, वो आप देखें जो तरक्याती फंड्स हैं वो 40% का इंक्रीज विफाक के बजट में है, 600 से उठाकर 900 अरब पे ले गए हैं। और जो हमारी जुमे को हाशिम जमा से मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने बताया कि 350 से लेकर हम इसको 580 जो है वो अरब रुपए पर ले गए हैं तरक्याती बजट को। अब जब आप तरक्याती बजट को फोकस करने लगे और आप नई स्कीमात देने लगे, सड़कें बनाने लगे, चीजें करने लगे, तो और फिर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स भी अगरचे की गई हैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से, नेट को बेस को बढ़ाने के लिए चीजें की गई हैं, लेकिन ये जो इंसाफ फराहम करने का इदारा या जो अदालतों के निज़ाम को बेहतर करना, ये शायद फौरी तौर पर चूंकि आपको सियासी तौर पर फायदा नहीं देता, तो इसलिए मेरा ख्याल है शायद इसकी ये हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही, या फिर मामला इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे चला गया। हालांकि तहरीक इंसाफ का नाम है तहरीक इंसाफ, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, मुझे उनकी इंटेंशन पे 1% शक नहीं है कि वो चीजें ठीक करना चाहते हैं। मुझे पता है वो ठीक करना चाहते हैं, जितनी उनके करीबी वजरा से हमारी रोज मुलाकातें रहते हैं, कभी लंच पे, कभी डिनर पे, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी ब्रीफिंग्स में, इससे हमें अंदाजा होता है कि वो बहुत कंसर्न्ड हैं चीजों को लेकर, वो चीजें ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स मैटर हैं कि उनकी शायद कुछ चीजें ऊपर आ जाती हैं, कुछ नीचे चली जाती हैं, कुछ उनको याद आता है कि ये करना है, हाँ यार ये भी तो करना है, ये भी तो बिगड़ा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये चूंकि जो जो तीन चार बड़े सुतून हैं मुल्क के, उसका एक हिस्सा है इंसाफ का निज़ाम, तो इसको मेरा ख्याल है तरजीही लिस्ट पर ऊपर आना चाहिए, जैसा मेरा ख्याल है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बातें हमारी सारी हो गई हैं। अब जरा ऑन अ लाइटर मूड बात करते हैं, सियासत में क्या देख रहे हैं, क्या बड़ा होने जा रहा है इस वक्त? सियासत में कुछ भी नहीं होना जर साहब, इस वक्त एक ही सवाल सब जगहों से उठ रहा है, सवाल ये उठ रहा है कि अगला वजीर आजम इमरान खान है या शहबाज शरीफ है। सवाल ये उठ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनके मामला सीधे हुए हैं या नहीं हुए, जहांगीर तरीन ग्रुप क्या किरदार अदा करेगा अगले इलेक्शन में, वो उनका ग्रुप डिसॉल्व हो रहा है इमरान खान की हिमायत में खड़ा हो रहा है या डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो ये कंफ्यूजन इस हद तक है कि शायद खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को भी इसका पता नहीं है, और खुद शहबाज शरीफ को भी इसका पता नहीं है कि अगला इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब है, कभी वो खबरें छुड़वाते हैं, लीक कराते हैं, मैंने शैडो कैबिनेट बना दी है। इसका मतलब मरियम कहीं नजर नहीं आ रही? मरियम नहीं नजर आ रही जी, मरियम कहीं नहीं है, ये शहबाज शरीफ है और यह इमरान खान है। तो शहबाज शरीफ साहब के भी हवाले से वो खुद अपनी खबरें लीक करा रहे हैं कि वो कहते हैं कि जी मैं जो है वो शेडो कैबिनेट बना ली है, मुझे इशारा मिला कि शेडो कैबिनेट बनाओ, मैंने 10 बंदों की कैबिनेट बना ली है, कॉलम लिखवा देते हैं। इस वाले को ख्याल अच्छा है ना, गालिब दिल के बहलाने को ख्याल अच्छा है। हाँ, तो सियासत में अभी चीजें सीधी नहीं है। वैसे जहां तक मेरा अंदाजा है, मामला इमरान खान साहब के और मुक्तदर हल्कों के उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान साहब के खान के रास्ते में कोई ऐसी रुकावट पैदा हुई तो वो एक राय आमा एक बड़ा मसला हो जाएगा, और वो राय आमा होगा महंगाई की वजह से। अगर महंगाई हुई और राय आमा उनके खिलाफ चली गई, तो फिर शायद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ऑप्शन के तौर पर सामने आ जाएं। लेकिन अगर अपने माशी मामला को इमरान खान और उनकी टीम ने दुरुस्त रखा, तो कोई दूसरी वजह नहीं है कि उनको दोबारा उनके 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 लिए राय जो राह है वो हमवार ना हो और माहौल साजगार ना हो, ये मेरी असेसमेंट है। जी बहुत शुक्रिया असद साहब आपका, बड़ी तफसील में आपके साथ बातें हो गई है। नाजरीन आपने देख लिया है, कुछ सजेशन समझते हैं, कुछ चीज चाहते हैं इस टॉपिक पे हम बात करें तो जरूर बताइएगा। अभी इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।